बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर बिल्कुल तैयार हैं आप सभी को डराने के लिए। आपको बता दें 11 मार्च को जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा की मूवी आ रही है रूही, जिसमें जानवी कपूर आपको एक भूतिया करेक्टर में, चुड़ैल वाले करेक्टर में और एक जिसके अंदर एक आत्मा का साया जाता है, इस करेक्टर में आपको नजर आने वाली है, काफी डरावनी नजर आने वाली है, जो कि आपको कल यानी कि 11 मार्च को आप सबको डराने आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें जानवी कपूर ने कुछ पिक्चर शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया पर, BTS की बिहाइंड द सीन्स की कुछ पिक्चर्स जो है शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है उनका प्रोस्थेटिक मेकअप देखा जा सकता है और किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है, साफ उसमें नजर आ रहा है। इसमें जो है VFX का जो कैरेक्टर है, VFX का भी यूज किया गया है। वहीं जो है जानवी ने काफी मेहनत करी है, मेकअप प्रोस्थेटिक से भरा हुआ मेकअप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। सुपर नेचुरल पावर्स के लिए VFX का यूज किया गया है। वही जो है जब जानवी का मेकअप होता था तो उसके बाद जानवी को सीन शूट करने से पहले घंटों इंतजार करना पड़ता था। वही जो है आपको बता दें जानवी कपूर ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें जानवी कपूर ने कैप्शन में लिखा है मूवी का कुछ पिक्चर्स के जो सीन, कुछ सीन्स है जिनका उन्होंने एक वीडियो डाला है, जिसमें जानवी कपूर लिखती है मैच मेड इन हेवन और मैच मेड इन हेल, गेट रेडी टू अटेंड रूहीज बिगेस्ट भूतिया मैजिक ऑफ द ईयर, डेट 11th मार्च। तो जानवी कपूर ने बताया है मतलब आप आइए हमारी वेडिंग में, रूही भूतिया वेडिंग में आप भी शामिल होइए। तो वही जो है एक डायरेक्टर, इनके जो डायरेक्टर है हार्दिक मेहता, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया जानवी के लुक के जो टेस्ट है उस पर जो बात करी है उन्होंने। आगे वो बताते हैं फाइनल लुक जो है पास करने के लिए जानवी को कम से कम 10 लुक के टेस्ट देने पड़े थे। आगे उन्होंने बताया कि जानवी कपूर अपने किरदार को इस तरह से निभाती है, जब उनका प्रोस्थेटिक मेकअप हो जाता था तो वो इस तरह से करेक्टर में घुस जाती थी, बिल्कुल उनका बोलने का अंदाज, उनका चलने का अंदाज, उनका एकदम जो है आवाज जो है बिल्कुल दमदार, एकदम चुड़ैल वाले करेक्टर को एकदम पकड़ लेती है जानवी कपूर, इस तरह से मेहनत करती है, बिल्कुल अपने करेक्टर में घुस जाती है। वहीं आपको बता दें जानवी कपूर जो है मंडे को यानी कि सोमवार को मूवी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें जानवी कपूर ने अपने असिस्टेंट के परिवार को भी बुलाया था। तो आगे इसमें मूवी कल आ रही है, आप तैयार रहिए देखने के लिए। 11 मार्च को रूही आ रही है सबको डराने के लिए। आप कितना डरते हैं तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और जानवी ने काफी मेहनत करी है, किस तरह से अपने वो करेक्टर में घुसती नजर आ रही है ये आपको कल देखने के बाद ही पता चलेगा। जहाँ मूवी कितनी ज्यादा डरावनी है, कितना इसमें कॉमेडी है, ये सब आपको कल देखने को मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।